खुशी की बात है। सरकारी नियमों और नीति के अनुसार ये कार्यक्रम साल में एक बार कराया जाता है। इसमें आप लोग जो आज कार्यक्रम देख रहे हैं उसी के निमित्त है। आज के इस समारोह के अध्यक्षता करें सरपंच साहिब सजनी देवी जी। हमारे बीच विशेष अतिथि के रूप में विराजमान पीओ कार्यालय से पधारे दिनेश जी व्यास साहब, हमारे पूर्व सरपंच साहब और वर्तमान प्रतिनिधि राजमल जी साहब, यहाँ के पूर्व संस्था प्रधान रहे हैं बंसीलाल जी, यहाँ के एसडीएमसी एसएमसी मेंबर वकील साहब, हमारे पीओ क्षेत्र से पधारे हुए सभी संस्था प्रधान स्टाफ, यहाँ के प्रधानाचार्य महोदया ममता जी महर्षि, प्रेरणा जी और समस्त गांव से पधारे हुए प्रबुद्ध जनों, प्रिय विद्यार्थी, वार्षिक उत्सव नाम से स्पष्ट है। वार्षिक का मतलब होता है साल, पूरे साल में जो काम किया है उस कार्य का लेखा जोखा इस उत्सव मना करके किया जाता है। जो भी साल भर में हमारे विद्यार्थियों ने अच्छे काम किए हैं, अच्छी उपलब्धि हासिल की है, नंबर वन पे रहे हैं, ऐसे बालक बालिकाओं को यहाँ पर पुरस्कृत किया जाता है। साहित्य और सांस्कृतिक प्रोग्राम के आधार पर जश्न मनाया जाता है। ग्रामवासी, विद्यालय, विद्यार्थी और शिक्षक सब मिलकर के पूरे के पूरे साल भर के लोक लेखे जोखे को प्रस्तुत किया जाता है मंच के माध्यम से। ये बहुत अच्छी परंपरा है। आप जो मंच पर देख रहे हैं बच्चों का नाच गान और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां देख रहे हैं, ये बहुत ही ज्ञानवर्धक और सार वाली चीजें हैं। अभी आपने देखा कि इंस्टाग्राम व्हाट्सएप जो इंटरनेट का मामला है कितना खतरनाक है, फिर भी हम सब इसको अधिकतम यूज कर रहे हैं। साथियों, मेरा निवेदन है कि ये केवल अपना सहयोग मात्र है। ये मोबाइल है अपने सहयोग के लिए है, लेकिन हमने क्या किया कि इसका सहयोग लेते लेते इसमें ही डूब गई। रात और दिन जिसको देखो मोबाइल, जिसको देखो मोबाइल। घर में चार मेंबर हैं, चारों चारों कोने में बैठे हुए हैं या अपने अपने कमरे में बैठे हुए हैं और मोबाइल चला रहे हैं। किसी को कोई लेना देना ही नहीं। अरे दिन भर काम करके आए हो, घर में एक जगह बैठ करके खाना खाना चाहिए, एक जगह बैठकर एक दूसरे के दुख सुख की बातें करनी चाहिए, लेकिन सब भूल गए इस मोबाइल में लग गए। और पता ही नहीं लगता कि रात कब गुजर गई। रात की दो दो बज गए, बारह बज गए, मोबाइल को स्क्रीप करते जा रहे करते जा रहे, और मोबाइल पूरा होता ही नहीं। तो ऐसा करने से क्या हो रहा, साहब बहुत ज्यादा नुकसान हो रहे हैं। मैं बता रहा हूं ये ज्यादा नुकसान इसलिए हो रहा है कि हम ज्यादा इसका यूज कर रहे हैं। आप इसको पढ़ाई के लिए यूज कीजिए, कोई नुकसान नहीं। आप जानकारी के लिए यूज कीजिए, कोई नुकसान नहीं। आप अनजान जगह पे जा रहे हैं उसको गूगल पर डाल दीजिए, फला जगह जा रहा हूं, आपको रास्ता बता देगा, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। कोई मार साहब ने, सर ने, मैडम ने दिन में पढ़ाया और हम भूल गए हैं, वापस याद करना चाहते हैं, गूगल पे डालो, वहां से आपको वापस उत्तर मिल जाएगा। ये काम की चीजें हैं।
लेकिन जब अति हो जाती किसी काम की तो ये नुकसानदायी होती है। तो मेरा निवेदन है कि छोटे बच्चों को आप एंड्रॉइड फोन ना दें, आंखें खराब होगी, आदत खराब होगी। और आपने देखा होगा मोबाइल के अंदर जबरदस्ती आता है ऐसा सामग्री, ऐसे चित्र जबरदस्ती आते हैं। हम उसको नहीं खोलना चाहते हैं तो भी एड के माध्यम से आते हैं। और उसको देखने से एक बार देखेगा बच्चा, दो बार देखेगा, तीन बार देखेगा और उस पर टच हो गया तो वो और आगे बढ़ेगा, तो ये बड़ा घातक होता है। तो मेरा निवेदन है कि छोटे बच्चों को एंड्रॉइड फोन ना दे, केवल शिक्षा के लिए उपयोग करें। और हम भी ज्यादा नहीं देखें, केवल जानकारी के लिए देखें, तभी ये उपयोगी होगा। दूसरा निवेदन मेरा ये है कि जो कार्यक्रम आपने प्रस्तुत किए, बहुत ही शानदार, सुंदर, बढ़िया प्रस्तुतियां थी, आपने बहुत अच्छी मेहनत की है और भविष्य में मेहनत करें। अब तो यहाँ पर आपकी हायर सेकेंडरी हो गई है और हायर सेकेंडरी साथ नवी क्लास भी चलने लगी है। अब चार महीने बाद दसवीं चलेगी और दो तीन साल में ये बारहवीं हो जाएगी। मेरा निवेदन ये है कि हम पढ़ने क्यों आ रहे हैं? काम कोई घर पे कम नहीं हमारे पास, फिर भी हम पढ़ने आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम कुछ सीखना चाहते हैं और सीख करके आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारा कुछ उद्देश्य होना चाहिए, हमें राम भरोसे नहीं रहना चाहिए। राम का भरोसा सिर्फ अंदर होना चाहिए, श्रद्धा में होना चाहिए, लेकिन मेहनत तो अपने को करनी पड़ेगी और अपने उद्देश्य बनाना पड़ेगा कि हमें क्या बनना है पढ़ लिख करके। हमें बारहवीं पास क्यों करना है? पढ़ करके क्या बनना चाहते हैं? इसके लिए हमारा विद्यालय में कैरियर डे मनाए जाते हैं। यहाँ छोटे बच्चे इसलिए ज्यादा विशेष उपयोगिता उस चीज की नहीं होती है, लेकिन जैसे बड़ी स्कूल है, जैसे कमलास की स्कूल है, 2015 में मैं वहां आया और इतना बड़ा गांव था, लेकिन मुश्किल से 5-4 ही नौकरी वाले थे। तो हमने फिर कैरियर डे मनाना शुरू किया। कैरियर डे में क्या होता है? कैरियर डे में उसको बताया जाता है कि बारहवीं पास करने के बाद आप कौन कौन सी नौकरियों में जा सकते हैं। फिर हम बताने लगे उन बच्चों को, क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी। और आज की तारीख में उसका रिजल्ट अब आने लगा, जो 2 साल के अंदर लगभग 14-15 गवर्नमेंट सर्वेंट बन गए। 14-15। तो इन बच्चों को आप बताएं कि भाई आगे जाके तुम्हें क्या बनना है? टीचर बनना है, पुलिस में जाना है, डॉक्टर बनना है, ग्राम सेवक बनना है, क्या बनना चाहते हो? फौज में जाना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? तो माता पिता भी इस बात पर ध्यान दें कि मन में सोच के रखें, बच्चे को उत्साह वर्धन करें कि बेटा पढ़ना, तेरे को भी फला मार साहब की तरह बनना है, तुम्हें थानादार बनना है, तेरे को वकील साहब की तरह वकील बनना है। इस प्रकार उनको मोटिवेशन दे, उनका उत्साह वर्धन करे, ताकि बच्चे के मन में एक भावना आएगी कि मैं भी ऐसा बनना चाहता हूं। अब जब उद्देश्य ही नहीं है तो फिर पढ़ाई का क्या मतलब? मुझे सूचना मिली कि कमलास जालखेड़ा में वार्षिक उत्सव है, तो मेरा उद्देश्य था कि मैं जालखेड़ा 11 बजे पहुंचूं। ये विचार किया, 11 बजे का नूता मिला और मेरा उद्देश्य बनाया कि मैं जालखेड़ा 11 बजे पहुंचना है मेरे को। तो ये विचार बनाया और विचार बनाने के बाद आगे की प्रक्रिया चालू होती है। इस प्रकार सभी विद्यार्थियों से, माता पिताओं से, अभिभावकों से, शिक्षकों से मेरा निवेदन है कि बच्चे के मन में ये विचार आना चाहिए कि मैं पढ़ने क्यों जा रहा हूँ, पढ़ लिख कर क्या करना चाहता हूँ, पढ़ लिख कर क्या बनना चाहता हूँ। ये विचार मन में आना चाहिए और उद्देश्य एक तय करना चाहिए। जब तक आप उद्देश्य तय नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही डोलते फिरेंगे, और ऐसे ही डोलते फिरेंगे तो भगवान भरोसे काम चलेगा नहीं। और भगवान पे केवल आस्था रखिए, बाकी कर्म अपना कीजिए,
महाभारत में भी कहा गया है कि कर्मण्येवाधिक रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा च संगोस्तु कर्मणि। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन ने कहा, हे अर्जुन तू अपना काम करता रहे, तेरा उद्देश्य काम करना है और फल देना तो ऊपर भगवान के हाथ है, इसलिए आपका उद्देश्य है काम करना, अपना अहम निश्चित करना, बाकी गुरु के आशीर्वाद से आपको फल मिलेगा। ज्यादा लंबी बात नहीं करते हुए मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके यहाँ हायर सेकेंडरी हो गई और बहुत बढ़िया तरीके से स्कूल चल रही है, आगे बढ़ेंगे, सारी बच्चियां यहाँ पढ़ेगी, क्योंकि समस्या बड़ी ही आती है कि बच्चियों को बाहर नहीं भेजते। अब बच्चियां 12वीं तक आराम से पढ़ेगी क्योंकि जालखेड़ा से यहाँ आना कोई दिक्कत ही नहीं है, तो बच्चियां 12वीं करेगी। देखना इसका रिजल्ट आपको 5 साल बाद में पता लगेगा, 5 साल बाद में आपके, मैं कह रहा हूँ 100 में से 100 बच्चियां 12वीं पास कर लेगी, बच्चे तो करते ही है, और 10 साल बाद में रिजल्ट आने लग जाएगा, कई बच्चे और बच्चियां नौकरी लगेगी। तो ये शिक्षा का महत्व समझिए, आपको बता दे कि जितने भी ये शिक्षक बहने बैठी है अधिकतर जयपुर सीकर झुंझुनू उधर से हैं। सोचो तो सही, उधर से ही नौकरी क्यों लग रहे हैं? आप भी तो अपने भी तो लग सकते हैं, पर हमने पढ़ाई को महत्व दिया ही नहीं, अब हमें भी पढ़ाई को महत्व देना है। अगर आप मेहनत करेंगे, हमारे बच्चे मेहनत करेंगे, उनको बराबर ध्यान रखेंगे, तो निश्चित रूप से हम भी आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए मैं माँ सरस्वती से निवेदन करूंगा कि इन सब बच्चों को बहुत अच्छी विद्या प्रदान करें और सब बच्चे आगे बढ़े, इस जालखेड़े का नाम हो और सबका विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार।